पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो। दोस्तों भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। अभी सुबह के 8 बजे हैं, हमारी प्रार्थना सभा डप्पा प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं फ्रेश होने गया तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा क्या लगा, कुछ देव सत्ताएं मेरे सामने आकर के कहने लगे, कुछ फरिश्ते, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो। अरे मैंने कहा, फरिश्ते लोगों ये क्या कह रहे हो, यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं फ्रेश हो रहा हूँ और तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। और वे मेरे प्रश्न का तो जवाब उन्होंने दिया नहीं, यही चलाते रहे, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो। मैंने कहा भाई ये क्या बकवास लगा रखी है, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा, परंतु चूँकि ये देववाणी है, ये उन फरिश्तों की आवाज़, उस मेरे परमपिता की आवाज़ है, उसकी आज्ञा से ही वे लोग बोलते हैं, तो भाई पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो, ये कौन बोल रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया, क्यों बोल रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं, तो भाई ये आप सोचो देखो। हाँ मैं एक चीज़ इसमें से रह गई, मेरे पूरा ये सेंटेंस था, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो, लेकिन जान से मत मारना, लेकिन जान से किसी को मत मारना, ये पूरा उनका स्टेटमेंट ये था, ये था, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो, लेकिन जान से मत मारना, क्योंकि शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी को किसी से जान, किसी को जान से मारने का अधिकार नहीं है, सबका मालिक वही है परमपिता, उसी को किसी की जान लेने का अधिकार है जो पैदा, जिसने हमें पैदा किया है। तो भाई किसको पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो के लिए कह रहे हैं, शायद ही उन्हीं के लिए कह रहे होंगे जो देश को लूट रहे हैं, जो दुनिया को लूट रहे हैं, बेशर्मी से लूट रहे हैं, बिना अकल के लूट रहे हैं। अब भाई मैं तो इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, वे जैसा चिल्ला रहे थे फरिश्ते लोग, ऐसे ही मैंने आपको बोल दिया, और मैंने उनको भी बोला कि ये क्या कह रहे हो फरिश्ते लोगों, बस वो तो यही चिल्लाते रहे, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो। मैं सोचने लगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, या ये करने की कह रहे हैं, या ये कहीं भारत में ऐसी हालतें बन तो नहीं रही हैं कि ऐसा हो। अब दोस्तों आप जाने और वे देवता लोग जाने, वे परमपिता जाने, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरा तो सामर्थ्य थोड़ा सा है, अब भारत में क्या होगा क्या नहीं, परमात्मा, इसलिए हम तो पहले से डरपोक से लोग हैं, पहले से अपने डप्पा प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण अफर्मेशन, और उसके बाद हमारा विचार विमर्श चलता है सुबह, आप लोग भी आ जाया करो, आपको अच्छा लगता है तो, पता नहीं क्या होने वाला है, क्यों ये मेरे सामने आकर चिल्ला रहे हैं कि फरिश्ते लोग पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो, लेकिन जान से किसी को मारना मत। अब इसका अर्थ आप लोग ही निकालिए, मैं तो एक मच्छर सा यूट्यूबर हूँ, मैं समझता हूँ तो अपन को, अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, लेकिन असलियत तो असलियत है, मैं एक मच्छर सा यूट्यूबर हूँ, और आप, आपके प्यार प्रेम, आपकी हिम्मत बढ़ाने की वजह से मैं बोल लेता हूँ। और अभी छोटा सा आज का वीडियो है, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, दोबारा सुन लो, पकड़ो पकड़ो पीटो पीटो लूटो लूटो, किसी को, लेकिन किसी को जान से मत मारना, यह आज उन देव सत्ताओं का मैसेज है जो उन्होंने कन्वे कर दिया, मैंने आपको कन्वे कर दिया, आप सीधा उनसे पूछिए, उन्हीं की प्रार्थना करिए परमात्मा की, वो क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं कर रहे हैं। भगवान सबकी रक्षा करे, सबका भला करे, सभी लोग इस दुनिया में आए बड़ी आशाओं के साथ अपना जीवन जिएंगे, इस दुनिया में जीवन जीना ही कितना संघर्षमय है, कठिन है।
तकलीफ भरा है। भगवान किसी के साथ में कोई हादसा नहीं करे, कोई प्रीमेच्योर बैड इंसिडेंट नहीं हो, हम सबका भला भला चाहते हैं। और ईश्वर वैसे जो भी करता है भले भले के लिए करता है, उसकी दुनिया ये अति अद्भुत है। और यहाँ उसका डिवाइन लक चल रहा है और डिवाइन लक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। चाहे वो हमारे नेशनल लॉ में, हमारे वर्ल्डली किंगडम में कितनी भी अन्याय अत्याचार लूटपाट और लोग रिश्वतखोरी करें, लेकिन उसके यहाँ जरा भी किसी तरह का नेगेटिविटी या फिर जरा भी क्या है कि अन्याय अत्याचार नहीं है। वो सबका भला ही भला चाहता है और जो उसकी दुनिया में जो होता है वो अच्छे अच्छे के लिए हो रहा है। इसी छोटे से मैसेज के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।